नमस्कार, भव्य सरणियों से मैं नूपुर। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली, दोनों की शादी हुई चर्चा का विषय बना। दोनों ने एक बिटिया को जन्म दिया, ये भी चर्चा का विषय बना। इन दिनों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज के आखिरी मैच में अनुष्का शर्मा अपनी बेटी वामिका को गोद में लिए दिखाई पड़े। सारा कैमरा उनकी तरफ झुक गया और उनको कैच करना शुरू कर दिया। इस बीच जब विराट कोहली 50वां अर्धशतक मार चुके थे, उसके बाद उन्होंने एक डांस किया अपनी बेटी और अपनी पत्नी को देखते हुए। अब डांस किया, ये डांस भी वायरल हुआ। अब क्या था, अनुष्का शर्मा चुपचाप रही, कैमरा उनकी तरफ मुखातिब हुआ, वो आराम से देख रही थी, उनकी बेटी गोद में थी, पूरी दुनिया ने बेटी को देखा, सब कुछ हुआ, तस्वीर वीडियो सब कुछ वायरल हुआ। उसके बाद वो घर पहुंची। अब क्या है, वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालती और पोस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे आप देख लीजिए, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट जो था वो हम आपको बता दे रहे हैं कि जब तक हमारी बेटी को कैमरामैन ने कैमरे में कैच किया, हमारा ध्यान नहीं था कि तस्वीर हमारी बेटी की तरफ है, हमने इसको देखा नहीं, और अब हम देख रहे हैं कि हमारी बेटी की तस्वीर वायरल हो रही है, जो ठीक नहीं है। मैं तारीफ करूंगी उनकी अगर हमारी बेटी की तस्वीर को ना छापा जाए और ना वायरल किया जाए, सर्कुलर से बिल्कुल दूर रखा जाए। ये उनका मंतव्य था, जो सब्स्टिट्यूट मैंने आपको दिखाया और उनका जो भी सशब्द लिखा हुआ है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि साथ में आखिर ऐसा क्यों उन्होंने कहा। तो बहुत पहले उन्होंने लिखा था अनुष्का शर्मा ने कि मेरी बेटी जब तक समझदार ना हो जाए तब तक हम नहीं चाहेंगे कि वो मीडिया के सामने, कैमरे के सामने या सोशल मीडिया किसी भी तरह वो देश के सामने उसको लोग पहचाने। तो खैर, ये बातें लोगों तक पहुंची और लोगों को सुई की तरह चुभन हुआ इनकी बातों को देखकर। जहां तक उन्होंने कहा मैं तारीफ करूंगी अगर उसकी तस्वीर ना छापी जाए, ना वायरल हो किसी भी तरह। अब यहाँ तो सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, और जो भी पत्रकार महोदय होते हैं उनका ये अधिकार होता है कि किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को वो छाप सकते हैं, देख सकते हैं, उसको अपने कमरे में कैद कर सकते हैं। आपके बेडरूम में या कमरे में या आपके घर पे तो जबरदस्ती कोई गया नहीं कैच करने के लिए कि आप उनको रुकावट कीजिएगा। अपनी बेटी को लेकर आएंगे तो आपके इतने सारे फैंस पड़े हैं जो आपको देखते हैं, आपकी फिल्मों को देखते हैं, तो वो निचोली है कि आपकी बेटी को भी आपके गोद में देखेंगे, भले वो किसी दूसरे का भी बच्चा हो, तभी वो यही समझेंगे कि वो आपकी बेटी है। चूंकि बेटी ने आपके घर में जन्म लिया है तो निचोली उसको कैच करेंगे और दुनिया के सामने दिखाएंगे। और आपकी ये बातें कि नहीं मुझे, मैं तारीफ करूंगी कि अगर इसकी तस्वीर को ना छापा जाए, कि तारीफ जैसी चीजें, ये एक फोटोग्राफर को, एक पत्रकार महोदय को आप क्या तारीफ करेंगे उस चीजों को कि आपको ना छापे। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना और कह दीजिए मुझे मत छापो, मुझे मत देखो, या मेरी बेटी को मत करो। कोई पत्रकार ऐसे नहीं है, सारे पत्रकार पढ़े लिखे होते, हाँ मुट्ठी भर को छोड़ दीजिए, जो यूं ही सोशल मीडिया पर इधर उधर की बातें करते रहते हैं या फिर किसी को छापते रहते हैं, या फिर वो फिर में ढूंढ करके और किसी भी तरह सोचते एक कैच मिले ताकि मुझे उस पर व्यू मिले, उस पर वायरल हो या फिर उस पर हम धन कमा ले। लेकिन जो भी एक स्तरीय पत्रकार होते हैं वो किसी के पीछे भागते नहीं है, दौड़ते नहीं है। लोग पत्रकारों के पीछे दौड़ते हैं एक न्यूज छपवाने के लिए कि हमारे न्यूज छपे जो पूरे देश दुनिया की तरफ जाए, तो हमारी आमदनी का जरिया बने। अगर पत्रकार किसी को छापे नहीं तो आपकी पहचान भी नहीं होगी। आज अनुष्का शर्मा या विराट कोहली के विषय में भी अगर बात कर दी जाए तो अगर मीडिया उनको छापे ना तो उनको पहचानेगा कौन? आज अगर पहचान बनती है, सबसे चौथा स्तंभ मीडिया को माना गया है। अगर मीडिया बंद हो जाए, मीडिया अपनी आंखें बंद कर ले, कान बंद कर ले और अपना कलम को बंद कर ले, तो कौन किसको पहचानेगा? कोई नहीं पहचान पाएगा किस कुर्सी पर कौन बैठा है और किसकी पिक्चर लगी और किसकी पिक्चर खत्म गई। कहीं भी अगर एक स्तर कोई देता है या आपको अगर पहचान बनाती है तो उसका सबसे पहला श्रेय तो मीडिया को जाता है। जो आपने कहा कि हम मीडिया की तारीफ करेंगे अगर कोई इनको छापे नहीं, ये बिल्कुल सरासर आपने गलत किया। चूंकि बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किए, बहुत सारे लोगों ने हमसे भी कही, बहुत सारी बातें की जो हम अभी कहना उचित नहीं समझते, ये बहुत दुख पहुंचाएगा उनको। चूंकि ये चीजें बोलने वाली नहीं होती है, कुछ बातें ऐसी होती है जिसको महसूस किया जा सकता है। तो अनुष्का शर्मा या विराट कोहली की शादी हुई तो ये लोग कैसे जाने? आपने कहा तभी लोग जाने, आपके घर बच्ची ने जन्म लिया तो आपने कहा या आपने सोशल मीडिया पर इस चीजों को डाला तो लोगों को पता चला हाँ आपके घर एक बेटी ने जन्म लिया, या फिर अपनी बेटी का जो भी आपने नाम डाला वो आपने
बताया होगा तभी लोग को जाने, लोग कहां मालूम कि आपकी बेटी का नाम क्या है या बेटा का नाम क्या है, आपके घर बेटा ने जन्म लिया या बेटी ने जन्म लिया। आज सोशल मीडिया पे देखा जाए तो इतने सारे लोग, बहुत सारे लोग इसमें खुद में एक कलाकार बन चुके हैं और खुद में उनको फुर्सत नहीं मिलती है कि हाँ, और उनके जितने भी मित्र मंडली है उनको भी फुर्सत नहीं मिलती है। आज हर आदमी के पास मोबाइल है जिसमें विभिन्न विभिन्न तरह से सेलिब्रिटी भी हैं, उनके फैंस भी है, वो उनके तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं, जाते हैं। यहाँ फुर्सत किसी को भी नहीं है। अगर आप उनको दो टूक जवाब देंगे कौन आपके पीछे भागेगा, लोगों को शौक भी नहीं है। तो इस तरह की सुई चुभने जैसी बातें अगर करेंगे एक सेलिब्रिटी तो फैंस क्या चुप रहेंगे, फैंस आपकी तरफ तो मुड़कर देखेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर दुनिया में हैं और बहुत सारे अभिनेत्री भी यहाँ पे हैं, बहुत सारे ऐसे फूल जैसे बच्चे हैं जो घर के पास भी हैं, समाज में भी हैं और दूर तलक हैं, सेलिब्रिटीज की भी हैं जो कभी मना नहीं करते कि हमारी बेटी को। हाँ, आपने एक बात कही कि जब तक मेरी बेटी समझदार नहीं हो जाती तब तक हम नहीं चाहते कि वो मीडिया के सामने आए या उसका फोटो कहीं ना कहीं वायरल हो या कहीं ना कहीं दिखाई पड़े, ये बातें आपकी। चलिए, इस बातों को हम मान भी लेते हैं, लेकिन 18 साल में एक बेटी समझदार होती है तो क्या 18 वर्ष तक आपकी बेटी छपेगी नहीं या आप उसको सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे? इसका वचन दीजिए आप, वादा कीजिए आप, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। 18 साल क्या, हम तो कहते हैं 5-6 साल में ही आप खुद ब खुद सोशल मीडिया के द्वारा या किसी मीडिया को पकड़ के या किसी मीडिया को रिक्वेस्ट करके अपनी बेटी को जरूर चाहेंगे कि मेरी बेटी को पूरी दुनिया देखे और हमारी बेटी का नाम हो। हर कोई चाहता है कि छोटे से ही मेरी बच्ची नाम कमाना शुरू कर दे ताकि वो 17-18-20 वर्ष में आगे पहुंचे तो नेचुरली एक ऐसे स्तरीय हो जाए और ऐसे कुर्सी पे विराजमान हो ताकि पूर्व से ही मेरी बेटी परिचित हो और पूरी दुनिया जाने कि हाँ, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी का पहचान बने। कौन नहीं चाहता है? या आप नहीं चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि बहुत लोगों ने ये कमेंट किया है कि जानबूझकर ये चीजों को डाला गया है कि हाँ हम ऐसा करें ताकि मीडिया और हमको चाहते, तो ऐसा होने वाला नहीं। जो स्तरीय मीडिया है, हम भी यही चाहेंगे कि आपकी बच्ची आपकी खुशी के लिए, अगर आपने कहा कि मेरी बेटी की तस्वीर नहीं छाप पाचा तो चलिए आपकी खुशी के लिए हम भी आपकी बेटी की तस्वीर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप कह तो दीजिए मीडिया वालों से कि आप लोगों को डाले ही नहीं, कोई मीडिया आपको डालेगा नहीं। लेकिन जरा सोचिए तो सही, आज जिस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, इस मुकाम पे पहुंचाने वालों को हमें मीडिया कर्मी है जो आपको वहां तक पहुंचाइए। इस फैन जो जितने सारे आपके फैंस हैं उन्होंने काफी योगदान दिया है, आपकी तारीफ की है, आपको दिल दिया है, मन दिया है, आपको समय दिया है, तभी आप उस ऊंचाई पे पहुंचे हैं और इतनी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। नहीं तो बहुत लोगों को देखिए कि कहां से कहां है। और आज जितने सारे पुराने लोग हैं वो तो खुद सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कोई मंच मिले हमको, आज हम 60 वर्ष के, 70 वर्ष के, 80 वर्ष के हो गए, कोई मंच मिले ताकि हमारा फिर से वही दौर शुरू हो, हमारे भी फैंस बने और फिर हम छा जाएं। मगर ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। तो अभी से इस तरह सुई चुभने जैसी बातें ना करें तो बेहतर होगा, दुख पहुंचता है उनको जो आपके फैंस हैं।